पविवेक रसम पीतवा रसम उपसमस्त चाह निद्रो होती निष्पापो धम्म पीति रसम पिवम तस्माही धीरंच पंचच बहु स्तुतम चा घोर्य शीलम वतवंत मरियम तम दास्यम सपुरिसम सुमेधम भजेत नखत्त पंथम वचंदिमा। एक दिन वैशाली में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा, मेरी घड़ी करीब आ रही, मेरे विदा का क्षण निकट आ रहा, इसलिए जो करने योग्य हो करो, देर मत करो। ऐसी बात सुन भिक्षुओं में बड़ा भय उत्पन्न हो गया, स्वाभाविक। भिक्षु संघ महाविषाद में डूब गया, स्वाभाविक। जैसे अचानक अमावस हो गई, भिक्षु रोने लगे, छाती पीटने लगे, झुंड के झुंड भिक्षुओं के इकट्ठे होने लगे और सोचने लगे और रोने लगे और कहने लगे, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक भिक्षु थे, तिस स्थविर उनका नाम था, वे न तो रोए और न किसी से कुछ बात ही करते देखे गए। उन्होंने सोचा, सास्ता 4 माह के बाद पर निवृत्त होंगे और मैं अभी तक अवीतराग हूं, तो सास्ता के रहते ही मुझे अर्हतत्व पा लेना चाहिए, और ऐसा सोच वे मौन हो गए, ध्यान में ही समस्त शक्ति उनेलने लगे। उन्हें अचानक चुप हो गया देख भिक्षु उनसे पूछते, आवुस आपको क्या हो गया है, क्या भगवान के जाने की बात से इतना सदमा पहुंचा, क्या आपकी वाणी खो गई, आप रोते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं। भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस स्थविर पागल तो नहीं हो गए, आघात ऐसा था कि पागल हो सकते थे, जिनके चरणों में सारा जीवन समर्पित किया हो उनके जाने की घड़ी आ गई हो, जिनके सहारे अब तक जीवन की सारी आशाएं बांधी हो उनके विदा का क्षण आ गया हो, तो स्वाभाविक था। लेकिन तिस जो चुप हुए सो चुप ही हुए, वो इसका भी जवाब ना देते, वो कुछ उत्तर ही ना देते, एकदम सन्नाटा हो गया। अंततः यह बात भगवान के पास पहुंची कि क्या हुआ है तिस स्थविर को, अचानक उन्होंने अपने को बिल्कुल बंद कर लिया, जिससे कछुआ समेट लेता अपने को और अपने भीतर हो जाता, ऐसा अपने को अपने भीतर समेट लिया है, यह कहीं कोई पागलपन का लक्षण तो नहीं, आघात कहीं इतना तो गहन नहीं पड़ा कि उनकी स्मृति खो गई है, वाणी खो गई है। भगवान ने तिस स्थवर को बुलाकर पूछा तो तिस ने सब बात बताई, अपना हृदय कहा और कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो, आपके जाने के पहले तिस स्थवर विदा हो जाना चाहिए, मौत की नहीं मांग कर रहे हैं वो, ये तिस स्थिर नाम का जो अहंकार है ये विदा हो जाना चाहिए, मैं अपना प्राणपन लगा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए, अब ना बोलूंगा ना हिलूंगा ना डोलूंगा, क्योंकि सारी शक्ति इसी पर लगा देनी, 4 माह है, ज्यादा समय भी पास में नहीं, और आपने कहा भिक्षुओं सावधान हो जाओ और जो करने योग्य है करो, तो यही मुझे करने योग्य लगा कि ये 4 महीने जीवन की क्रांति के लिए लगा दूं, पूरा लगा दूं, इस पार या उस पार, लेकिन यह कहने को न रह जाए कि मैंने कुछ उठा रखा था, कि मैंने कुछ छोड़ दिया था, किया नहीं था। बुद्ध ने तिस भिक्षु को आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिस के समान ही होना चाहिए, यही तो है जो मैंने कहा था कि करो, जो करने योग्य है करो, सावधान मैं 4 माह के बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा, रोने धोने से क्या होगा, रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने, चर्चा करने से क्या होगा, झुंड के झुंड बना के विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा, तुम मुझे तो ना रोक पाओगे, मेरा जाना निश्चित है,
रो रो के तुम ये क्षण भी गंवा दोगे। आंसू नहीं काम आएंगे, नौका बना लो। तिस स्थिविर ने ठीक ही किया है, इसने मौन की नौका बना ली। इसी मौन की नौका से कोई तिरता है, इसलिए तो हम साधु को मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन की नौका बना ली। तिस स्थिविर मुनि हो गया है। गंधमाला आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, वह वास्तविक पूजा नहीं है। जो ध्यान के फूल मेरे चरणों में आके चढ़ाता है वही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला ही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। रो मत ध्याओ, रो नहीं ध्याओ। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही, पविवेक रसम पीतवा रसम उपसमस्त चाह निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिव। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है और धर्म का प्रेम रस पान करके निष्पाप होता है। तो एकांत का रस पीकर, एकांत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लो। बाहर बहुत संबंध जोड़े, दूसरे से बहुत नाते बनाए, दुख के अतिरिक्त क्या कब पाया। अब अपने से नाता जोड़ो, एक नया सेतु बनाओ अपने और अपने बीच। अब अपने में जाओ। एकांत का अर्थ नहीं होता हिमालय चले जाओ, एकांत का अर्थ होता है जो संबंधों में बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा लगाई है उसे संबंधों से मुक्त करो, अपने साथ रमो, आत्मलीन बनो। एकांत का रस पीकर पविवेक रसम पीतवा, और बुद्ध उसको रस कह रहे हैं, प्यारा शब्द उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसने एकांत का रस पी लिया उसने अमृत पी लिया। जिसे तुम संबंध में खोज रहे हो और कभी संबंध में पा ना सकोगे वो एकांत में पाया जाता है, वो अपने ही स्वभाव में छिपा पड़ा है, वो झरना तुम्हारा है, वो तुम्हारी ही गहराइयों में दबा पड़ा है। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। अब तुम भयभीत हो रहे हो, बुद्ध ने कहा, रो रहे हो, चीख रहे हो, मेरे जाने के कारण तुम भयभीत हो रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे तो संबंध बनाया, अपने से संबंध नहीं बनाया। मैं जा रहा हूं तो तुम रो रहे हो, पत्नी जाएगी तो पति रोएगा, पति जाएगा तो पत्नी रोएगी, बेटा जाएगा तो बाप रोएगा, बाप जाएगा तो बेटा रोएगा। जिन्होंने दूसरों से संबंध बनाने में ही सारी ऊर्जा नियोजित की है वे रोते ही रोते जीवन गंवाएंगे। अपने से संबंध जोड़ो, शांति का रस पीकर रसम उपसमस्त चाह, उस एकांत का मौन का शब्द शून्यता में डूबकर अपना रस पियो, अपने को चखो, तो फिर निडर हो जाओगे। फिर कोई भय नहीं, बुद्ध रहें कि जाएं, कौन कहां आता जाता, सब जहां है वहीं है, न कोई आता न कोई जाता, सिर्फ हमारे संबंध टूटते और बनते। तुम अगर असंग हो जाओ तो फिर कोई जीवन में पीड़ा नहीं, दुख नहीं, धर्म का प्रेम रस पान कर निष्पाप हो जाओ। और धर्म कहां है? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है तुम्हारी नियति, तुम जो वस्तुता हो वही धर्म। इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे ही धीर प्राज्ञ बहुश्रुत श्रीलवान व्रत संपन्न आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, इस शिष्य को देखो, ये धीर है, प्राज्ञ है, बहुश्रुत है, श्रीलवान है, व्रत संपन्न है, आर्य है, बुद्धिमान है, इसका अनुगमन करो। रोधो मत तस्माही धीरंच पचंज बहुस्तुतम चाह घोर्य शीलम वतवंत मरियम। इसके पीछे जाओ, इससे सीखो, जो इसे हुआ है वही तुम्हें भी होने दो। ये जो तिस स्थिविर कर रहा है, क्या कर रहा है? कोलाहल से काल की निद्रा नहीं टूटती, न धक्के मारने से समय का द्वार खुलता है। रचनात्मक समाधि के व्यूह में जाओ,
नीरवता और शांति को सिद्ध करो। रात अंधकार और अकेलापन शक्ति के असली उत्स हैं। रोशनी से बचो और लक्ष्य को अंधेरे में विद्ध करो। बाहर बहुत रोशनी है इसलिए हम आंखें खोले बैठे रहते, बाहर बहुत रूप है इसलिए हम आंखें खोले बैठे रहते, आंख बंद करते हैं तो भीतर अंधेरा है। रात अंधकार और अकेलापन शक्ति के असली उत्स हैं। रोशनी से बचो और लक्ष्य को अंधेरे में विद्ध करो। जब कोई मौन हो जाता ध्यान में डूबता तो अपने ही गहन अंधेरे में डूबता है। तुमने देखा वृक्ष की असली ऊर्जा आती जड़ों से जो अंधेरे में दबी, शक्ति के असली उत्स स्रोत अंधेरे में, मां के गर्भ में अंधेरे में पड़ा हुआ बच्चा बढ़ता है, जीवन को पाता है। बीज भूमि में दब जाता अंधेरे में फूटता है। तुम थक जाते दिन में, रात के अंधेरे में सो जाते, सुबह फिर पुनरुज्जीवित होते हो, नया जीवन नई ऊर्जा लेकर आते हो। जिसे अपने भीतर जाने का रहस्य समझ में आ गया उसके जीवन में परम ऊर्जा प्रकट होने लगती। वो एक ऐसे उत्स पर पहुंच जाता है, एक ऐसे स्रोत पर कि जितना भी खर्च करो करो कुछ खर्च नहीं होता, वो अविनाशी स्रोत को उपलब्ध हो जाता है। बुद्ध ने अनेक अनेक रूपों में लोगों को जागने की ही शिक्षा दी। कोई ज्यादा भोजन कर रहा है तो उसे जगाया, कोई भूखा है तो कैसे जाग पाएगा तो भोजन दिया, कोई रागाग्नि में डूबा है तो उसे झकझोरा जगाया, कोई शब्दों में रोने धोने में संबंधों में डूबा है तो उसे हिलाया, तोड़कर पुराने आभूषण नहीं बनाया कोई नया आभरण, नकार कर स्थापित मूल्य नहीं रचा कोई नया प्रतिमान, केवल दी मूर्छा विमुक्त दृष्टि सत्य को मुक्ति, केवल दी मूर्छा विमुक्त दृष्टि। बुद्ध का दान इतना ही है, मूर्छा विमुक्त दृष्टि। तुम सोए सोए ना जियो, जाग कर जियो, होश से जियो। बुद्ध ने कोई प्रार्थना नहीं सिखाई किसी आकाश में बैठे परमात्मा के प्रति। न बुद्ध ने कहा भिखारी बन के मांगो, न बुद्ध ने कहा याचक बनो, हाथ फैलाओ किसी परमात्मा के सामने। बुद्ध ने तो कहा अपने भीतर जाओ और परमात्मा मिल जाएगा, तुम परमात्मा हो। नहीं किसी याचक की प्रार्थना कि देवता पूरी करें कामना, नहीं किसी संतरस्त की गुहार कि इंद्र करें रिपु का हनन, केवल नमन उनको जो अरिहंत जो संत, भले ही उनका कोई धर्म कोई पंथ, मात्र समर्पण की वर्णमाला एकमात्र मंत्र। एक बात एकमात्र मंत्र सिखाया, समर्पण की वर्णमाला। कैसे तुम अपने अंतस्थल के केंद्र पर अपनी परिधि को समर्पित कर दो, कैसे तुम व्यर्थ को सार्थक पर समर्पित कर दो, कैसे तुम बाहर को भीतर पे समर्पित कर दो। मात्र समर्पण की वर्णमाला एकमात्र मंत्र, और कोई मंत्र नहीं सिखाया बुद्ध ने। नहीं किसी याचक की प्रार्थना कि देवता पूरी करें कामना, नहीं किसी संतरस्त की गुहार कि इंद्र करें रिपु का हनन, केवल नमन उनको जो अरिहंत जो संत, भले ही उनका कोई धर्म कोई पंथ, मात्र समर्पण की वर्णमाला एकमात्र मंत्र। अरिहंत शब्द बौद्धों का बहुमूल्य शब्द है, उसका अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली, और शत्रुओं का जो प्रधान है उसको बुद्ध ने प्रमाद कहा है, मूर्छा। जो जाग गया वो अरिहंत, जो जाग गया वही संत। फिर उसका क्या धर्म और क्या पंथ, इसका कुछ हिसाब रखने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हें कोई अरिहंत मिल जाए कोई संत मिल जाए उसके पीछे चलो, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे ही धीर प्राज्ञ बहुश्रुत सीलवान व्रत संपन्न आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन करना चाहिए। जहां संत मिल जाए उनकी छाया में उठो बैठो, जहां संत मिल जाए उनकी तरंगों में डूबो, उनका रस पियो,
उनकी धारा में बहु श्रोतापन्न बनो। ये छोटी छोटी कथाएं और इन कथाओं के मध्य में आए छोटे छोटे सूत्र तुम्हारे समग्र जीवन को रूपांतरित कर सकते, लेकिन मात्र सुनने से नहीं। गुनो, करो। जैसा बुद्ध ने कहा ना कि भिक्षुओं, मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा, इसलिए जो करने योग्य है करो। फिर बुद्ध 4 माह रहे तुम्हारे साथ कि 4 साल रहे कि 40 साल, क्या फर्क पड़ता है। जो करने योग्य है करो, सावधान। आज इतना ही। गौतम बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद घर वापस लौटे, 12 साल बाद वापस लौटे। जिस दिन घर छोड़ा था उनका बच्चा, उनका बेटा एक ही दिन का था, राहुल एक ही दिन का था। जब आए तो वो 12 वर्ष का हो चुका था। और बुद्ध की पत्नी यशोधरा बहुत नाराज थी, स्वभावतः। और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसने पूछा कि मैं इतना ही जानना चाहती हूं, क्या तुम्हें मेरा इतना भी भरोसा न था कि मुझसे कह देते कि मैं जा रहा हूं? क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें रोकती? मैं भी छत्राणी हूं। अगर हम युद्ध के मैदान पर तिलक और टीका लगा के तुम्हें भेज सकते तो सत्य की खोज पर नहीं भेज सकते। तुमने मेरा अपमान किया, बुरा अपमान किया, जाके किया अपमान, ऐसा नहीं। तुमने पूछा क्यों नहीं? तुम कह तो देते कि मैं जा रहा हूं, एक मौका तो मुझे देते, देख तो लेते कि मैं रोती हूं, चिल्लाती हूं, रुकावट डालती हूं। कहते हैं बुद्ध से बहुत लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न पूछे होंगे, मगर जिंदगी में एक मौका था जब वो चुप रह गए, जवाब न दे पाए। और यशोधरा ने एक के बाद एक तीर चलाए। और यशोधरा ने कहा कि मैं तुमसे दूसरी ये बात पूछती हूं कि जो तुमने जंगल में जाके पाया, क्या तुम छाती पर हाथ रख कर कह सकते हो कि वह यही नहीं मिल सकता था? ये भी बुद्ध कैसे कहें कि यही नहीं मिल सकता था, क्योंकि सत्य तो सभी जगह है। जंगल में मिल सकता है तो बाजार में मिल सकता है। ये और बात है कि बाजार में जो है वो सोचता हो कि नहीं मिल सकता, मगर मिल जाने के बाद तो कोई कैसे कहेगा कि बाजार में नहीं मिल सकता, वह तो सब जगह है। फिर आंखें झुक गई। और तीसरी बात उसने बड़ी गहरी चोट की थी, मगर उस चोट में यशोधरा उलझ गई। तीसरी बात उसने की, राहुल को सामने किया और कहा कि ये तेरे पिता हैं, ये देख, ये जो भिखारी की तरह खड़े हैं हाथ में भिक्षा पात्र लिए, यही तेरे पिता हैं, ये तुझे छोड़ के भाग गए थे जब तू एक ही दिन का था, अभी पैदा ही हुआ था, अब ये लौटे, फिर पता नहीं कब मिलना हो या ना हो, इनसे तू अपनी वसीयत मांग ले, तेरे लिए क्या इनके पास देने को है वो मांग ले। ये बड़ी गहरी चोट थी। बुद्ध के पास देने को था क्या? यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी 12 वर्षों का, लेकिन उसने कभी सोचा भी न था कि ये घटना यूं रुख ले लेगी, ये बात यूं बदल जाएगी। भगवान दास आर्य ने भी पूछते वक्त नहीं सोचा होगा कि बात यूं रुख ले लेगी। बुद्ध ने तत्क्षण अपना भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और कहा कि बेटे, मेरे पास कुछ और देने को नहीं, लेकिन जो मैंने पाया है वो तुझे दूंगा, तू संन्यास्त हो जा। 12 वर्ष के बेटे को संन्यास्त कर दिया। यशोधरा की आंखों से जर्जर आंसू गिरने लगे। उसने कहा, यह आप क्या करते? पर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपदा है वही तो दे सकता हूं, समाधि मेरी संपदा है, उसको बांटने का ढंग संन्यास है। और यशोधरा
जो बीत गई बात उसे बिसार दे। आया ही इसलिए हूं कि तुझे भी ले जाऊं। अब राहुल तो गया, तू भी चल। जिस संपदा का मैं मालिक हुआ हूं उसकी तू भी मालिक हो जा। और सच में ही यशोधरा ने सिद्ध किया कि वो छत्राणी थी। तत्क्षण पैरों पर झुक गई और उसने कहा मुझे दीक्षा दे। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में सन्यासियों में यूं खो गई कि फिर उसका कोई उल्लेख नहीं आता, उल्लेख ही नहीं आता। कभी उसने सन्यासियों में इस तरह की अस्मिता प्रकट नहीं की कि मैं बुद्ध की पत्नी हूं, कि मैं विशिष्ट हूं, कि मैं खास हूं। वो यूं खो गई कि बौद्ध शास्त्रों में इस घटना के बाद उसका फिर कोई उल्लेख नहीं आता। कैसे जी, कैसे मरी, कब तक जी कब मरी, कुछ पता नहीं चलता। वो सारे सन्यासियों की भीड़ में चुपचाप एक हो गई, यूं लीन हो गई, यूं डूब गई। इसको आना कहते हैं भगवान दास आर्य। तुम कहते हो हाथ पसारे दुआ मांगते, हाथ पसारो और देखो मैं क्या देता हूं। वही दे सकता हूं जो मेरे पास है, जो मैंने पाया वही दे सकता हूं। और ये कुछ ऐसा है कि जितना दो उतना बढ़ता है। दुआ मांगो, खाली नहीं जा सकोगे। कहते हो तुम हाथ पसारे दुआ मांगते अब मेरी आंखें नम है, झूठी बातें ना कहो। अगर आंखें नम हो जाएं तो फिर इस महफिल से उठने की कहां गुंजाइश, फिर इस मैकदे को छोड़ के जाने का कहां सवाल।